हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडीसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। एंड द चैप्टर नंबर 13 इज एम इज आर वॉज एंड वर। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एम इज आर वॉज एंड वर सही जगह पर कैसे यूज होते हैं, राइट। सो आई एम रितिका, आई एम इन क्लास 3। लास्ट ईयर आई वॉज इन क्लास 2। लास्ट ईयर में कौन सी क्लास में थी? 2nd में। माई बेस्ट फ्रेंड इज रितिक। मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? रितिक। रितिक इज वेरी नॉटी। नॉटी का मतलब होता है बच्चों शैतान। रितिक बहुत शैतान है। हिज पेरेंट्स आर इन दिल्ली नाउ। अब उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? दिल्ली में। सो ही इज स्टेइंग विद हिज आंट एंड अंकल। तो वो अपने आंट और अंकल के साथ रह रहा है। दे आर माई नेबर्स। वो मेरे नेबर्स हैं। नेबर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पड़ोसी। ओके, रितिक माई सिस्टर अवनी एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। रितिक मेरी सिस्टर अवनी और मैं अच्छे दोस्त हैं। रितिक एंड आई गो टू द म्यूज़िक क्लास एवरी संडे। मैं और रितिक हर संडे कहाँ जाते हैं? म्यूज़िक क्लास। लास्ट वीक वी वर लेट फॉर द क्लास। पिछले हफ्ते हम क्लास के लिए लेट थे। ओके, सो आगे चलते हैं। यस, सर्कल ऑल द वर्ब इन द अबव पैसेज। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें सारी वर्ब्स को सर्कल करना है। ओके, सो चलिए पहले हम यही करते हैं। लेट्स डू दैट। ओके, चलो। आई एम रितिका। सो एम वॉज is are is are go were। okay, so अब आप देख रहे हैं मैंने am is are was were और go को क्या किया है? circle किया है। because बच्चों ये क्या है? ये है helping verbs। okay, सो इनकी हेल्प से हम बनाते हैं सेंटेंस। चलिए, वी हैव लर्न दैट इज आर एम वॉज एंड वर आर ऑल्सो वर्ब्स। ये भी बच्चों वर्ब हैं। इनसे हमें ये पता चलता है कि काम कब हो रहा था या हो रहा है। ओके, और काम को करने वाला एक है या फिर बहुत सारे। They say something about a person or a thing। ये कुछ कहते हैं किसी person के बारे में या चीज़ के बारे में। They do not show any action। ये कोई action show नहीं करते, लेकिन फिर भी ये verbs हैं। कैसे? मीनू is playing। मीनू खेल रही है। अगर हम कहते मीनू was playing, तो इसका मतलब हमें ये पता चलता मीनू के बारे में कि मीनू खेल रही थी। ओके, लेकिन अभी भी वो खेल रही है, तो वो कैसे पता चल रहा है हमें? इस से। ओके, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ। आई के साथ बच्चों ऑलवेज रिमेंबर हम लगाते हैं एम। ओके, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम राइट नाउ की बात कर रहे हैं, तो हमें आई के साथ इज नहीं लगाना, आर नहीं लगाना, हमेशा क्या लगाना है? एम। ओके, द बॉयज आर टायर्ड। बच्चे थके हुए हैं। अब बहुत सारे लड़के हैं, द बॉयज आर टायर्ड। लड़के थके हुए हैं, बहुत सारे हैं, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? आर। ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। वह गार्डन में खेल रहा था। ही वॉज। वी वर द लास्ट वंस टू रीच द हॉल। हम हॉल में पहुँचने वाले सबसे लास्ट थे। सो वर लगाया है हमने बिकॉज यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन है वी। ओके, और वॉज लगेगा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। वॉज और वर बच्चों लगेंगे जो एक्शन पास्ट में होते हैं, राइट। जैसे कि वॉज वर रेफर टू एक्शंस दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। जो पास्ट में होते हैं उनके लिए हम वॉज वर यूज करते हैं, और जो प्रेजेंट में होते हैं बच्चों उनमें हम आई के लिए हमेशा यूज करते हैं एम, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हम यूज करते हैं इज, और प्लूरल प्रोनाउन के लिए आर। ओके, आई होप कि आप ये चीज याद रखेंगे कि पास्ट के लिए होता है वॉज और वर, वॉज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल, और प्रेजेंट के लिए होता है इज आर एम।
is for singular, r for plural and m for I. Okay? चलिए अब आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करनी है. फिल इन द ब्लैंक्स विद इज आर और एम. शी डैश अ गुड स्टूडेंट. शी यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा बच्चों, इज. शी इज अ गुड स्टूडेंट. ही इज सैड टूडे बिकॉज ही भी यहाँ पर क्या है बच्चों, सिंगुलर है तो आ जाएगा इज. ओके चलिए. स्वाति डैश द ओल्डेस्ट अमंग ऑल द सिस्टर्स. स्वाति अपनी सिस्टर्स में सबसे बड़ी है. स्वाति सिंगुलर है तो क्या आएगा यहाँ पर, इज. आई डैश वेरी हैप्पी टूडे. आई के साथ क्या लगता है, क्या बताया मैंने आपको, एम. दे डैश इन दिल्ली नाउ. दे प्लूरल प्रोनाउन सो दे आर. ओके. यू डैश वेरी स्मार्ट. अब यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, लेकिन यू के साथ हम हमेशा आर का यूज करेंगे. यू आर वेरी स्मार्ट. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर. ये पास्ट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर हमें वॉज और वर लगाना है. सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे बच्चों वॉज और प्लूरल के साथ वर. रोमी एंड जॉनी दो जनों की बात हो रही है सो वर. ओके. इन द सेम क्लास लास्ट ईयर. आई रीड सिंड्रेला व्हेन आई वॉज. ओके. आई वॉज यंगर बिकॉज आई मेरी बात हो रही है एंड आई एम सिंगुलर, बट यहाँ पर तो लगेगा एम और यहाँ वॉज. आई डैश एट स्कूल इन द मॉर्निंग. आई वॉज एट स्कूल इन द मॉर्निंग. द स्टॉर्म वॉज वेरी पावरफुल. ओके. रीता डैश अ गुड सिंगर. रीता वॉज अ गुड सिंगर. राइट. चलिए आगे चलते हैं. यस. नाउ दिस इज द प्रोवोकेशन एक्सरसाइज. और इसमें क्या करना है हमें, इन दीज सेंटेंसेज इज आर एम वॉज एंड वर आर यूज इनकरेक्टली यूज हुए हैं. रीराइट द सेंटेंस एंड करेक्ट द एरर्स. हमें इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है बच्चों और एरर्स को भी करेक्ट करना है. ओके. राहुल आर अ वेरी गुड डांसर. राहुल आर आएगा यहाँ पर नहीं बिकॉज राहुल क्या है, सिंगुलर वन पर्सन. सो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, राहुल इज अ वेरी गुड डांसर. और आप इसको यहाँ पर फिर रीराइट करके लिखेंगे, राहुल इज अ वेरी गुड डांसर. ओके. सो मैं यहाँ पर आपको एक लिख के बता रही हूँ, आप सारे रीराइट अपने आप करेंगे. मैं यहाँ पर आपको इसे करेक्ट करके दिखाऊंगी. वी आर इन दिल्ली लास्ट मंथ. अब लास्ट मंथ की बात हो रही है. लास्ट मंथ मतलब बच्चों जो मंथ चला गया, पिछला महीना. सो वी पिछले महीने की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो आर नहीं आएगा ना, क्या आएगा यहाँ पर, वी वर इन दिल्ली लास्ट मंथ. वर क्यों आया है बच्चों, बिकॉज वी इज प्लूरल प्रोनाउन. ओके. सो वी आर प्लूरल प्रोनाउन. द गर्ल्स वॉज लेट फॉर द क्लास टूडे. सो एक तो द गर्ल्स वर बिकॉज गर्ल्स प्लूरल. ओके. द पपीज, पपीज भी प्लूरल हो गए, सिंगुलर क्या होता है, पपी. द पपीज वर प्लेइंग हैप्पीली. द सन डैश शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. आर नहीं आएगा बिकॉज सन तो हमेशा एक ही होता है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. देयर आर अ लार्ज क्राउड आउटसाइड द मॉल लास्ट इवनिंग. सो लास्ट इवनिंग की बात हो रही है मतलब कल शाम की बात हो रही है, तो देयर वॉज अ लार्ज क्राउड आउटसाइड द मॉल लास्ट इवनिंग. दे वॉज इन द कंट्री लास्ट ईयर. पिछले महीने की बात हो रही है यहाँ पर, पास्ट की बात हो रही है ना बच्चों, तो क्या आएगा, दे वर. लेकिन क्योंकि दे जो है वो क्या है, प्लूरल प्रोनाउन. दिस आर एन एक्सपेंसिव कार, इज इट न्यू. दिस इज एन एक्सपेंसिव कार बिकॉज कार एक ही है, सो यहाँ पर हम इस का यूज करेंगे. दिस इज एन एक्सपेंसिव कार, इज इट न्यू. अब आप अपनी नोटबुक में इसे रीराइट करेंगे. राइट. चलिए आगे चलते हैं. यस. नाउ वी हैव द डी एक्सरसाइज हेयर. उससे पहले बच्चों आपको ये देखना है इंटर
interpretation. Were is always used with you, okay? Whether we talk of a person or many. इसी तरह से are का भी use होता है. You के साथ हम were का ही use करेंगे, चाहे हम एक person की बात कर रहे हैं या हम बहुत सारे person की बात कर रहे हैं. इसी तरह you के साथ हम are का use भी करेंगे, सिर्फ चाहे वो एक हो you या फिर बहुत सारे हो. Am, is, are, was and were are verbs. ये verbs हैं that say something about a person or thing, जो किसी person और चीज़ के बारे में कुछ कहती हैं. They do not show any action. ये कोई action show नहीं करती. Now the D exercise is tick the correct option. Okay, हमें right tick करना है. Pizza dash my favorite food. Pizza are या pizza is? Yes, pizza is my favorite food. The music dash too loud. The music is too loud. Lunch dash ready in a few minutes. Lunch is ready in a few minutes. Are or is the class going on a trip? अब class है, collective noun है. हम collective noun को हमेशा singular में ही लिखते हैं. Is the class going on a trip? Games, अब यहाँ पर games आ गया, right? बहुत सारे games हैं. Games are fun to play with my friends. Kevin and Joe are drinking milk. Because दो लोग जो milk पी रहे हैं. Dash you going out now. अब you आ गया. अब हमें नहीं पता कि ये you एक के लिए use हुआ है या बहुत सारों के लिए. लेकिन आपको ये rule याद रखना है that were is always used with you whether we talk of a person or many. चाहे हम एक person की बात कर रहे हों या हम many की. हमेशा यू के साथ क्या आता है? वर. ओके, आई डैश नॉट वेल येस्टरडे. अब यहाँ पर आई एम नॉट वेल येस्टरडे नहीं होगा बिकॉज येस्टरडे की बात हो रही है, बीते हुए कल की बात हो रही है, कल जो निकल गया. सो आई वॉज नॉट वेल येस्टरडे. सो आई होप बच्चों कि आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स अच्छे से समझ आ गई होंगी, राइट? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.